छत्तीसगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर ही साइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को जागरूकता के जुड़ने के लिए अपील की गई है और घरघोड़ा में स्थानीय प्रशासन द्वारा ही वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि जहां पर साइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें नगर की युवा महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस दौरान ही लोगों को इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है मतदान के प्रति, साथ ही लोकतंत्र से इस पर्व में भाग लेने के लिए सभी से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई है, जहां पर इस दौरान SDM ऋषा ठाकुर, तहसीलदार विकास कुमार आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत जो है फॉर्म 6, 7, 8 भरा जाएगा, जिसमें मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा। फॉर्म 7 में जो मृत मतदाता हैं उनका नाम जो है काटा जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है आज सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया मतदाता सूची का, और 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम जो है दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे। ये सभी मतदान केंद्रों में किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में BLO अभिहित अधिकारी और सुपरवाइजर जो हमारे पटवारी होते हैं उनके द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया जाएगा। आज स्कूली छात्राओं की जो रैली है, साइकिल रैली निकाली गई थी स्वीप के लिए, ताकि उनमें मतदान के लिए जागरूकता पैदा हो। स्वीप के तहत अगस्त माह को अलग अलग कार्यक्रमों के लिए शेड्यूल किया गया है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग वर्ग जैसे के लोग, स्कूल के छात्र, कॉलेज के छात्र, आम लोग मतदान के प्रति जागरूक हों, तो स्वीप के तहत आज की रैली निकाली गई थी। माननीय चुनाव कराहल पुलिस थाना अंतर्गत ही कराहल में